नगर निगम मथुरा वृंदावन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लॉट पर कई वर्षों से एकत्रित 9 एकड़ में फैले लगभग 2.5 लाख का लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु प्लॉट का शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा किया गया। कचरे के निस्तारण हेतु नगर निगम द्वारा माह अप्रैल 2023 में टेंडर उपरांत फर्म दयाचरण एंड कंपनी के साथ अनुबंधन संपादित किया गया। कार्यदायी संस्था के द्वारा लगभग 1500 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट स्थापित कराया जाएगा। कचरे के निस्तारण हेतु एक वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लिगेसी वेस्ट के प्रसंस्करण से प्राप्त RDF का उपयोग औद्योगिक कार्य में ईंधन के रूप में किया जाएगा, साथ मिट्टी एवं एंटन का उपयोग निचले स्थान पर भराव के लिए किया जाएगा। लिगेसी वेस्ट के निस्तारण उपरांत उक्त स्थल पर वृहद वृक्षारोपण करते हुए पार्क निर्माण किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त नगला कोल्हू स्थित सॉलिड वेस्ट प्लॉट पर महापौर एवं नगर उपाय आयुक्त के द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार, जोनल सेक्रेटरी अधिकारी रामानंद त्यागी आदि उपस्थित रहे। करवा दीजिए सर, आप करिए आपके सामने स्टार्ट। अब जरा सर को दिखाइए कैसे उठाइए सर। यह हमने सॉलिड वेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया है क्योंकि दिल्ली की कंपनी को दोबारा कॉन्टैक्ट दिया गया है। यहाँ पर 2,60,000 मीट्रिक टन कचरा था ये सॉलिड वेस्ट, उसमें से 40,000 टन उन्होंने प्रोसेस किया, उसके बाद ये 2,20,000 प्रेजेंट में। इसमें से 3 चीज़ें निकलती हैं मुख्य रूप से, एक तो यूजेबल प्लास्टिक और अन्य चीज़ें, दूसरा मिट्टी सॉइल निकलती है, और तीसरा बजरी टाइप की कुछ मोटा जो लैंड फिलिंग के काम आती है। तो सारी चीज़ें हम सेल करते हैं और उनसे आर्थिक संसाधन भी बना रहे हैं, और यहाँ पर्यावरण को संतुलित रखने में, यहाँ जो लोगों को समस्या है यहाँ के यमुना पार के लोगों को, उस समस्या से भी हम निजात दिला रहे हैं, छुटकारा दिला रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी सॉलिड वेस्ट यहाँ एकत्र होगा उस सभी को हम तुरंत ये साफ होता रहेगा और लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। पर्यावरण को हम यहाँ एक और प्रोजेक्ट भी लगने वाला है ऐसा हमारे, तो उसके माध्यम से हम सभी समस्याओं का जिस प्रकार से हमारे नगर आयुक्त के द्वारा बहुत यहाँ सक्षम तरीके से और पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया जा रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं पिछले वर्षों से, बहुत उसका लाभ नगर निगम को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और मैं भी पूरा अपने डेडिकेशन के साथ, मैंने जो संकल्प लिया है जनता से जो वायदे किए, उन वायदों को पूरा करने का काम करूँगा।